हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर करंट अफेयर सेशन। आज की क्लास में हम हर हफ्ते की तरह फिर से स्कीम पॉलिसीज और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपने अब तक की क्लासेस लगाई हैं एंड दे हैव बीन हेल्पफुल टू यू, और आपने उसमें से बहुत चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, राइट? तो हर हफ्ते की तरह हम आज भी कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर एरिया में से, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी क्लासेस भी जो है वो टाइमली अच्छे से लगा रहे हैं। दी आपको यहाँ तक करंट अफेयर्स से आपको सीखना है और उसको अपनी प्रेपरेशन में अप्लाई करना है, और आपको उसके और ज़्यादा जो है वो उसके एडवांटेजेस जो है वो निकालने हैं, करेक्ट? तो बिफोर बिगनिंग, दीज आर द 9 रिसोर्सेज या सोर्सेज जो कि हम आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हैं आपके सोर्सेस, ऑल द सोर्सेस एट वन प्लेस। सो इट्स द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, PRS, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ योजना, लाइव मिंट, PIB, कुरुक्षेत्र। और स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के लिए मोस्टली जो है हम PIB का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? PIB का यूज करते हैं, दैट इज योर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का जो है वहाँ पे डायरेक्ट कोई स्कीम लॉन्च होती है, रिवैम्प होती है, उसमें कोई नई अपडेशन होती है, वो यहाँ पे अच्छे से जो है वो दिया जाता है, करेक्ट? तो इसी के साथ अब सबसे पहले हम जब तब तक क्लासेस डिस्कस करते आए हैं, तो दो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। एक तो था व्हाट एंड हाउ टू स्टडी इन स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था कि व्हाट एंड हाउ टू गो अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने पहले की एक दो वीडियोज लगाई हैं तो आपने उसमें से अच्छे से देखा होगा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ एनालिसिस दिए हैं, उसी के आसपास हम आपके लिए जो है वो रोज़ नए क्वेश्चंस लाते हैं, राइट? और साथ ही में एक्सपैंड करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी लाते हैं, कुछ ऑफ बीट जो है वो हम फैक्ट्स उठाते हैं, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चन के लिए जो है वो पेपर में तैयार रहें। UPSC भी इवॉल्व हो रहा है, तो आपको भी जो है वो इवॉल्व होना ही होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। तो हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस इज मिनिस्ट्री लॉन्च, टाइप ऑफ स्कीम, किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, देन टारगेट्स क्या हैं, बेनिफिशरीज क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फंड्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इफ एनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हम अब तक क्वेश्चंस आपने, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, हमने इन्हीं लाइंस पे किए हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत आनी चाहिए, इफ़ एट ऑल आपने अगर पीछे की सारी क्लासेस लगाई हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई हैं, देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। देन रिपोर्ट्स और इंडिसेस में क्या पढ़ना है आपको, रिलीज्ड बाय, आज आपको बहुत क्वेश्चन जो है वो इस पे दिखेंगे, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन टूडेज क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज, पर्पज, इंडिकेटिव एंड डायमेंशंस, रैंकिंग्स, इंडिया स्पेसिफिक इन केस ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशन, रिकमेंडेशन इफ एनी फॉर मेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन्स में नंबर तभी है अगर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कोट करके उनकी रिकमेंडेशन देके अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करोगे। नॉट जस्ट राइटिंग एन आंसर इज इम्पॉर्टेंट, बट सब्सटैंशिएटिंग वॉट यू मीन टू से और वॉट यू मीन टू राइट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज विद रेफरेंस टू रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाई इंडियन रेलवेज इन कोलेबोरेशन विद नासा। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाई इंडियन रेलवेज इन कोलेबोरेशन विद नासा, ठीक है? पहले तो क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी है ना उसको पढ़ो, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये होने की प्रॉबिबिलिटी तो है, दिस कैन बी देयर, बट क्या इस चीज़ की होने की प्रॉबिबिलिटी है, दैट इज वॉट इज इन क्वेश्चन, ठीक है? ये कैच वर्ड जो है इस दिस इज जो हमने ध्यान रखना है ये आंसर मार्क करने के लिए। सेकेंड, इट इज बींग इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव फॉर ऑटोमैटिक एक्विजिशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट टाइमिंग एट द स्टेशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर और रन थ्रू। तो देखो, इसमें से ना, इस स्टेटमेंट में से ये इंफॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करो, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव फॉर ऑटोमैटिक एक्विजिशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट टाइमिंग एट द स्टेशन इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर रन थ्रू। तो अगर आप इसको इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे, सो यू विल गेट टू नो दैट दिस स्टेटमेंट इज राइट, इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट, और ऐसे केसेस में यूजली जेनेरिक स्टेटमेंट जो है वो सही होती है। नेक्स्ट, इट गिव्स मिड सेक्शन अपडेट्स विद अ पीरियोडिसिटी ऑफ 30 सेकेंड्स।
तो 30 सेकेंड्स की पीरियोडिसिटी पे जो है आपको अपडेट्स देता है। अगर आपको अपडेट हर 30 सेकेंड्स मिलता रहे, इसका मतलब ये है ना कि बहुत फास्ट अपडेट्स आ रहे हैं, सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो चीज़ है वो रियल टाइम में हो रही है। अगर मैं आपको हर 30 सेकेंड में बताती रहूँ कि मैं व्हाट एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग, सो यू विल कॉन्स्टेंटली बी नोइंग व्हाट एम आई डूइंग। सेम विद द ट्रेन, अगर ट्रेन का अपडेट हर 30 सेकेंड देते रहेंगे तो पता लगता रहेगा कि वेयर आर द ट्रेन, या उसके अराइवल डिपार्चर का एग्जैक्ट जो है आपको वो पता लगता रहेगा। अब अगर हम पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज अ करेक्ट, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3, तो इसमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखो, इंडियन रेलवे नासा के साथ नहीं कर, इसरो के साथ कर। यूजली ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो इसरो ही करता है, बट इन केस कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए, कोई बहुत ही ब्रेक थ्रू जो है वो चीज़ हो रही है, तो हो सकता है उसमें नासा की इन्वॉल्वमेंट हो। और जब ऐसा कुछ होगा तो वो न्यूज़ में इतना प्रोमिनेंटली रहेगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इट विल कम टू योर नोटिस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है। जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वन आ रहा है, वील स्ट्राइक दैट ऑफ, और हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी। ठीक है, बी इज दी आंसर। ये सोर्स है पीआईबी में, इंडियन रेलवेज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन्स। तो बेसिकली हमने जो ये पढ़ा था, इट इज फॉर ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन्स। सो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अबाउट रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद इसरो, नासा नहीं है। इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन द लोकोमोटिव्स फॉर ऑटोमेटिक एक्विजिशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट टाइमिंग एट द स्टेशन, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ रन थ्रू। तो हमारी स्टेटमेंट वन जो है वो यहाँ गलत हो गई है, स्टेटमेंट टू जो है वो सही हो गई है। दे गेट ऑटोमेटिकली प्लॉटेड ऑन द कंट्रोल चार्ट ऑफ दोज ट्रेन्स इन द कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम। RTGS gives mid-section updates with periodicity of 30 seconds. तभी उसके लिए वर्ड यूज किया गया है रियल टाइम। ठीक है, द ट्रेन कंट्रोल कैन नाउ ट्रैक द लोकेशन एंड स्पीड ऑफ RTIS enabled locomotives trains more closely without any manual intervention. It has been installed for 2700 locomotives in 21 loco sheds. फिर यहाँ पे और इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। Now this is not important that important from exam point of view, but still just to give you that extra part we have added it here. ठीक है, but important facts जो है वो हमने ऊपर discuss कर लिया, even from the exam point of view जो important चीजें हैं। Done. Next we come to question number 2, which is with reference to Food Barons report 2022, consider the following statements. अब देखो, Food Barons report ये बहुत ही ना एक ऑफ बीट सी रिपोर्ट है। हो सकता है जो मेन स्ट्रीम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गई है, या आपकी और जो यू आपकी WHO की रिपोर्ट्स होती हैं या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं ना, उनसे थोड़ी सी अलग रिपोर्ट है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है, वो भी कोई मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गो लाइक अ लिटिल कन्फ्यूज ओवर दिस क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो ड्रॉप द क्वेश्चन। ओके, देयर इज नो हार्म इन लीविंग अ क्वेश्चन, बट रादर देन डूइंग अ क्वेश्चन विच यू डू नॉट नो। या ऐसा क्वेश्चन करना जिसमें कोई आइडिया ही नहीं है, उससे अच्छा उसे छोड़ दो। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन, इट हैज बीन रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसे FAO ने रिलीज किया है। सेकेंड, इट एग्जामिन्स द लीडिंग कॉर्पोरेशंस दैट कंट्रोल ईच ऑफ 11 इंडस्ट्रियल एग्री फूड सेक्टर्स। तो क्या ये इन कॉर्पोरेशंस को जो है वो एग्जामिन करता है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज दैट करेक्ट। अब हमने जो पीछे रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें व्हाट टू स्टडी, उसमें हमने सबसे पहले रिलीज्ड पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि आज आपको इस लाइन पे बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे, तो ये रहा आपका रिलीज्ड पे क्वेश्चन, एंड दिस इज समवट योर इंडिकेटर्स। एंड डायमेंशंस वाला पार्ट, ठीक है। सो नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन अस इनकरेक्ट, क्या पूछा गया आपसे, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। यू हैव टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स।
सो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट, कौन सी जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, बट ये जो है वो गलत है। इसका आंसर ए है, दिस इज द हिंदू में आई थी। देन अबाउट फूड बैलेंस रिपोर्ट ऑफ 2022 रिलीज बाय कैनेडा बेस्ड ग्लोबल रिसर्च फर्म ETC ग्रुप। हर फूड रिलेटेड चीज FAO नहीं होगी, ये आज हमने देख लिया। ठीक है, अब FAO की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन सी है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। FAO की कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है, यू टेल मी दैट इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ पर्पस, ETC ग्रुप्स 2002 अपडेट फॉर कॉर्पोरेट ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफर्स अ स्नैपशॉट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड बैलेंस। द बिगेस्ट प्लेयर्स अप एंड डाउन द इंडस्ट्रियल फूड एंड एग्रीकल्चरल चेन, दे एग्जामिन द लीडिंग कॉर्पोरेशंस दैट कंट्रोल ईच ऑफ द 11 इंडस्ट्रियल एग्री फूड सेक्टर्स लाइक सीड्स, एग्रोकेमिकल्स, लाइफ स्टॉक जेनेटिक्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, फार्म मशीनरी, एनिमल फार्मास्यूटिकल्स, कॉमोडिटी ट्रेडर्स, फूड प्रोसेसर्स, बिग मीट, ग्रॉसरी रिटेल एंड फूड डिलीवरी। तो 11 एग्री फूड सेक्टर्स को देखने वाले कॉरपोरेशन जो है उनको एग्जामिन करता है, और जो कॉरपोरेशन है उनको किस बेसिस पे या उनको किस सेक्टर्स पे किया जाता है, इन 11 सेक्टर्स पे किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन 2020 सेल्स फिगर। देन फाइंडिंग्स, दे फाइंडिंग्स शो दैट मेनी एग्री फूड सेक्टर्स आर नाउ सो टॉप हैवी दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय जस्ट 4 or 2 6 डोमिनेंट फर्म्स, एनेबलिंग दीज कंपनीज टू वील्ड एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट्स, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट विच अंडरमाइंड फूड सॉवरेनिटी। तो आज आपके लिए एक वर्ड नया जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है फूड सॉवरेनिटी। तो इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एस्से भी आ सकता है, आपके किसी ऑप्शनल ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, उसमें भी आपके ऑप्शनल्स में जो है इसको कहीं ना कहीं जो है इसको एक टेक्निकल या टर्म की तरह यूज किया जा सकता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन इन डिमांड टुडे, दिस इज योर वर्ड ऑफ द डे, दैट इज फूड सॉवरेनिटी। सो यू हैव टू गो एंड डू योर रिसर्च अबाउट इट, एंड इस रिपोर्ट में फूड सॉवरेनिटी की बात क्या की गई है, दैट विल हेल्प यू इन योर मेन्स का पार्ट, या दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, जहाँ पे आप ये फूड सॉवरेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, राइट। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, विच इज वॉट इज फ्राइडेज फॉर फ्यूचर्स, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर विच इज ऑफन सीन इन न्यूज, अभी भी न्यूज में आया था। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है उस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ए है इसमें कह रहा है यूथ लेड क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, फिर बी है इसमें फंडिंग मैकेनिज्म फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, सी में वो कह रहा है अ यूथ पार्लियामेंट फॉर डिस्कसिंग इश्यूज फेस बाय डेमोक्रेसीज ऑफ वर्ल्ड, और डी वो कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो अगर आप पिछले दो दो तीन साल न्यूज़ फॉलो करते आ रहे हैं, और खासकर इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड न्यूज़ को देखते आ रहे हैं, तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आपने बहुत प्रोमिनेंटली सुना होगा। और इसी के साथ आपने एक स्कूल जाती बच्ची जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, उसका नाम भी जो है वो सुना होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सुना है देन दिस क्वेश्चन इज द इजिएस्ट क्वेश्चन विच कुड बी देयर इन टूडेज क्लास। ऑल राइट, अगर आपने ये दो चीजें सुनी हैं तो आपका लिए आपके लिए ये इजिएस्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका आंसर है जी ए, यूथ लेड क्लाइमेट चेंज मूवमेंट। तो डाउन टू अर्थ में आया, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इट इज इन टू लेट सेज यंग एक्टिविस्ट डिमांडिंग क्लाइमेट रिपरेशंस जस्टिस, ठीक है। तो अब हम फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इज अ डायनेमिक ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट पुशिंग फॉर इमीडिएट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज थ्रू एक्टिव कैंपेनिंग एंड एडवोकेसी। इट वॉज चोजन एज चैम्पियन ऑफ द अर्थ फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन हाईलाइटिंग द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है वो किस चीज़ पे डील करता है, या किस चीज़ की बात करता है, वो बात करता है क्लाइमेट चेंज की। सी सी, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर हैज मिलियंस ऑफ पैशनेट एक्टिविस्ट हू इंसिस्ट दैट देयर वॉइसेस बी हर्ड ऑन व्हाट मेनी मे सी एज डिफाइनिंग इशू ऑफ द जनरेशन। द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय स्वीडिश टीनेजर ग्रेटा थनबर्ग हू सैट इन प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्वीडिश पार्लियामेंट फॉर 3 weeks लास्ट ईयर टू ड्रॉ अटेंशन टू क्लाइमेट एमरजेंसी। तो इसी के साथ हमारा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का टॉपिक था। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अगेन फ्रॉम इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस।
विद रेफरेंस टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस आर एस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो देर वॉज पी आई बी में आया था, तो वहाँ से हमने ये रिपोर्ट उठाई है और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर आपके दो क्वेश्चन हैं. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं किस चीज़ पे हैं, दीज टू क्वेश्चन आर ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिपोर्ट. ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट फॉर द कंट्री हैज शोन सिग्निफिकेंट इंक्रीज. दिस इज योर कैच वर्ड. इंक्रीज है क्या? 3 पॉइंट्स फ्रॉम 2019. अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट फॉर मेल इज हायर. कैच वर्ड क्या? मेल्स का अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट फीमेल से ज्यादा है कि कम है? ये दिस इज द थिंग. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्लियर दिस अप अ बिट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. तो इन दो स्टेटमेंट्स में बताना है कि इंक्रीज है या यहाँ पे हायर है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज द करेक्ट वन? ओनली टू? ओनली बोथ वन एंड टू? नीदर वन नॉर टू? तो यहाँ पे क्या आ जाता है आंसर आपका? दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है. दोनों में जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो गलत हैं. तो इसका आंसर आ जाता है डी, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट. तो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द सोर्सेस. ये आपका पीआईबी में आया था, 23 सितंबर की न्यूज है. देन अबाउट सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस आर एस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020. तो 22 सितंबर 2022 को रिलीज हुई है, पर इस रिपोर्ट का नाम, या ये है रिपोर्ट कब की? 2020 की. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने. बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. तो कौन रिलीज करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. द कंट्री हैज बिन विटनेसिंग अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन आईएमआर अंडर 5 इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट आईएमआर, देन अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, देन योर नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट विच इज योर एनएमआर सिंस 2014 टूवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स बाय 2030. नाउ योर होमवर्क, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो इन चीज के साथ जो है रिलेट करते हैं? दिस इज यू हैव टू डू. ये आपका आज का काम हो जाता है, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डील विद दीज थिंग्स. एंड साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है कि वॉट इज क्रूड बर्थ रेट, जाके गूगल करके पढ़िएगा. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? अर्ली नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट, जैसे 0 से 7 डेज में जब बेबीज होते हैं उनकी बात. देन नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट क्या होता है? देन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है? एंड देन अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट. तो ये सब चीज़ें जो है टेक्निकल टर्म्स, कितने साल कितना टाइम जो है वो यू हैव टू डू दैट. तो ये 2014, 2019 और 2020 का जो है वो डेटा दिया गया आपको, जस्ट टू सी द कंपेरिजन और जस्ट टू कोट इट. नाउ फॉलोइंग अ स्टेडी डाउनवर्ड ट्रेंड आई एम आर अंडर 5 एम आर एंड एन एम आर है फर्दर डिक्लाइंड. तो अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट फॉर कंट्री हैज शोन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 3 पॉइंट्स. पीछे क्वेश्चन में इंक्रीज था, इस वजह से गलत हुई. फ्रॉम 2019 इट वेरीज फ्रॉम 36 इन रूरल एरियाज टू 21 इन अर्बन एरियाज. नाउ अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट फॉर फीमेल इज हायर देन मेल. हमने पीछे लिखा था मेल के लिए हायर है, नहीं फीमेल के लिए हायर है. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट थी आपकी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी. देर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 4 पॉइंट्स इन मेल अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट एंड 3 पॉइंट्स इन फीमेल अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड. हाइएस्ट डिक्लाइन ऑफ अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट इज ऑब्जर्व इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड अ 2 पॉइंट डिक्लाइन टू 28 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2020 फ्रॉम 330 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2019. द रूरल अर्बन डिफरेंस हैज नैरो टू 12 पॉइंट्स. अर्बन में क्या है 19, रूरल में है 31. सो नो जेंडर डिफरेंशियल हैज बीन ऑब्जर्व इन 2020. न्योनेटल मोर्टैलिटी रेट हैज ऑल्सो डिक्लाइन बाई 2 पॉइंट्स फ्रॉम 22 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2019 टू 20 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2020. इट रेंजेस फ्रॉम 12 इन अर्बन एरियाज टू 23 इन रूरल एरियाज. नाउ एज पर एस आर एस रिपोर्ट 2020, तो यहाँ पे 6 स्टेट्स यूटी हैव ऑलरेडी अटेन्ड एसडीजी टारगेट ऑफ एनएमआर लेस देन 12 बाय 2030, विच इज केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, देन 11 स्टेट्स हैव ऑलरेडी अटेन्ड एसडीजी टारगेट ऑफ अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, विच इज
लेस देन 25 बाय 2030, केरला 8, तमिलनाडु 13, दिल्ली 14, महाराष्ट्र 18, जम्मू कश्मीर 17, कर्नाटका 21, पंजाब 22, वेस्ट बंगाल 22, तेलंगाना 23, गुजरात 24 एंड हिमाचल प्रदेश 24। तो ये कुछ डेटा दिया गया, एग्जाम में ऐसा डेटा नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट टू लेट यू नो टू कोट द इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कहीं SDGs का कहीं डेटा या कहीं आपको इम्प्रूवमेंट कोट करनी है तो ये सब चीजें वहां कोट कर सकते हैं इन योर मेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू आर क्वेश्चन नंबर 5, विच इज विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च स्केल ऐप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्केल ऐप पे जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। इट प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द लेदर इंडस्ट्री। तो देखो, स्केल से कहीं नहीं पता लग रहा कि लेदर इंडस्ट्री के लिए, और ये नहीं तो और ये नीति आयोग है कि नहीं ये भी नहीं पता लग रहा। एप्स वैसे नीति आयोग यूजली इतनी नहीं होता, तो उससे आप स्ट्राइक कर सकते हैं, बट लेदर इंडस्ट्री के लिए है कि नहीं, दिस इज नॉट इनहेरेंट फ्रॉम द नेम। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो करना, नहीं पता है तो छोड़ देना। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज द करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू? ओनली नहीं आएगा, नाइदर वन नॉट टू। तो देखो, नीति आयोग नहीं है और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए आंसर आ जाता है बी। नाउ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द स्केल स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। अगर फुल फॉर्म पता थी तो सेकंड स्टेटमेंट सही कर सकते हो, नहीं पता तो वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्राइक ऑफ द आंसर। ऐप विच प्रोवाइड द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ विजिट टू CSI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल डेवलप्ड एंड्रॉइड ऐप स्केल टू चेंज द वे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर डिजाइन एंड डिलीवर्ड टू द ट्रेनिंग इन लेदर इंडस्ट्री। सो बेसिकली लेदर इंडस्ट्री जो है उसके लिए आपकी स्कीम लाई गई है। द स्केल स्टूडियो ऐप डेवलप्ड बाई लेदर SSC अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन लेदर क्राफ्ट टू एक्सेस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम क्लासेस फ्रॉम स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो एट इट्स ऑफिस। तो लेदर और लेदर सेक्टर के लिए जो एक स्कीम लाई गई है, उस स्कीम का नाम जो है वो है आपका स्केल ऐप। स्कीम भी नहीं, ऐप लाई गई है। तो वो ऐप करती क्या है? लोगों को कनेक्ट करना और लेदर इंडस्ट्री को और इन्हेंस करना। सो नाउ विद दिस सेड वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज विथ रेफरेंस टू ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022, consider the following statements. It was organized by National Payments Corporation of India, NPCI, Payment Council of India, PCI, and Fintech Convergence Council, FCC. The theme for GFF 2022 is creating a sustainable financial world, global inclusive green. So what is your GFF? It is your global FinTech Fest. So which of the statements given above is the correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो जी आपको, और अब कोई फेस्ट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के अंदर ही लिया है हमने इसे। तो फेस्ट जो है आपका, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ठीक है, इसकी कोई थीम, अगेन फ्रीक्वेंसी क्या है, बताता क्या है, वो सब जरूरी हो जाता है। तो अगेन अ लिटल ऑफ बीट एंड अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट अगेन एन इजी क्वेश्चन, अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। जरूरी नहीं है हर ऑफ बीट क्वेश्चन जो है वो टफ हो और हर इजी क्वेश्चन जो है वो मेन स्ट्रीम हो, समटाइम्स इट कैन इवन गो आइदर वेज। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा सी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022, लेट्स जस्ट ब्रीफली एंड क्विकली रन थ्रू इट। The third edition of Global FinTech Fest is organized by National Payment Corporation of India, Payment Council of India, FinTech Convergence Council. It will be a hybrid event September 19th to 22nd, 2022 at the Jio World Convention Center in Mumbai. The theme of the GFF 2020 is creating a sustainable financial world, global inclusive green. The event will also be broadcast live to the world via fully interactive virtual platform. The objective is to create the world's largest fintech event, showcase India's unique, affordable, inclusive, sustainable, and equitable model
for global fintech leadership and generate thought-provoking content and shared learning opportunities for the fintech ecosystem across the world. So fintech, what is fintech? Finance plus technology. तो जो आपका फिनटेक सेक्टर है आजकल इट इज़ टू मच इन अ ग्रोथ ट्रेंड, इट्स ग्राफ इज गोइंग अप. तो जब कोई चीज़ ऊपर चल रही है उसको आपको इन्हांस करने के लिए ऐसे इवेंट्स जो है वो प्लान किए जाते हैं. टू रेज मोर अवेयरनेस अमंग पीपल, सिमिलरली ये हुआ गया है. तो यहाँ पे किसने ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ हो रहा है, थीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमने देख लिया. सो we'll quickly run through this again, an extended information, nothing important from the exam point of view, but we'll quickly run through it. ठीक है, I'll just read it, आप भी देख लेना इसे. This year marks 75th year of India's independence. India has made exceptional progress in fintech adoption and is today a role model for the entire world. तो जैसे कि इंडिया आगे बढ़ रहा है तो इंडिया में फिनटेक सेक्टर भी जो है उसकी भी अडॉप्शन जो है वो बढ़ रही है. तो एज इंडिया प्रेजेंट्स टू टेक द G20 लीडरशिप इन द कमिंग ईयर. अब G20 लीडरशिप ले रहा है, अभी किसके पास है, कितनी कंट्रीज हैं, फिर एक टर्म होता है ट्रॉयका, वो सब आप अच्छे से G20 का पढ़ेंगे. विल शोकेस इंडिया इज अ डोमिनेंट फिनटेक thought leader and demonstrate India's fintech ecosystem to the world, creating solution for 6 billion global consumers and driving financial inclusion adoption for 1.4 billion unbanked adults at an even higher pace. तो यहाँ पे इसकी जो है वो बात की जाती है. तो sustainable development goals, planet, people, prosperity, principles of governance, essential elements इसके ये सब आ जाते हैं. तो basic general information, again not important from prelims point of view, but still you can quote these things as templates in your mains answer or your essays, your GS or your optional. तो fintech sector पे भी आप थोड़ी सी नज़र रखें, fintech sector से related stats, updates या कुछ भी आपके पास आता है, try to keep a tap of it, right? Next we come to question number 7, this is not 6, it is 7. With reference to state of education report of India, artificial intelligence in education, consider the following statements. So question hai report pe, which is state of education report for India, artificial intelligence in education, iske upar kuch reports hain, statements hain, wo hume dekhni hai. First, it has been launched by United Nations Development Fund. Second, as per the report, AI market, which is artificial intelligence market in India, is likely to reach $7.8 billion by 2025 at the rate of 20.2% compound annual growth. So which of the statements given above is that correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So ji B, only two statement is correct. It is not UNDP, it is UNESCO. ठीक है, लॉन्च्ड. तो अब आ जाते हैं हम अबाउट पे, विच इज अबाउट स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, लॉन्च्ड बाय यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फ्रीक्वेंसी 4th एडिशन है ये एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट की. What it provides, introduction to artificial intelligence to clarify subjects that would experience various misconceptions. It is also added to challenges and opportunities in the Indian education sector that AI can address. तो education plus AI की बात जो है वो यहाँ की जा रही है. Findings, AI market in India is likely to reach $7.8 billion by 2025 at the rate of 20.2% compound annual growth, and to match India's curriculum to make the students ready for the AI economy, India's National Education Policy 2020 lays a big emphasis on the need to impart the necessary technical knowledge, and the integration of AI in education is also to promote quality and skill-based education. So basically, education में artificial intelligence का क्या role है, कैसे वो enhance कर सकती है, उसकी जो है वो बात की जाती है. ठीक है, so इसी के साथ जो हमारी report है उसने हमें 10 recommendations दी हैं. अब ये recommendations जो है ना, ये आती है mains में help. मेंस में हेल्प करती है ये चीजें. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट रन थ्रू देम. कंसीडर द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन एज एन अटमोस्ट प्रायोरिटी. रैपिडली प्रोवाइड एन ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन. क्रिएट इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स. एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. Expand AI literacy efforts, attempt to correct algorithm biases and the resulting discrimination, improve public interest in artificial intelligence, request private sector for better involved students and educationalists in developing AI products, place ownership of data with the students, embrace the versatility of artificial in education in
सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। तो देखो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि कैसे जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में लाया जाए। तो इसके ऊपर आपको मेंस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके ऊपर जो है वो आपको प्री आपके जीएस और एसए दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। तो रेकमेंडेशंस बहुत अच्छी रेकमेंडेशंस हैं, नोट कर लो कहीं, और ये अगर कहीं आया तो इन्हें ज़रूर लिखना, ठीक है। सो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, हमारे आज के सारे क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म होते हैं। आई रियली होप यू लाइक द क्लास, थोड़े आपने कुछ नया सीखा और आप इसको आगे इन्हेंस करेंगे, आगे अपनी पढ़ाई को और बेटर करने में, और आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई फैक्चुअल एरर लगता है, प्लीज़ रीच अप टू अस। एंड सेकेंडली, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी थिंग इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स, प्लीज़ रीच आउट टू आर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स अच्छे से मिलते जाएंगे और आपकी जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होते जाएंगे। सो स्टडी वेल, आई होप टू सी यू ऑल रियली सून, टेक केयर एवरी वन, थैंक यू।